राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर 9 संकल्पों का दाव खेला। हरीश रावत ने कहा कि मैं एक गाय को पालूंगा या उसके पालन का खर्चा अपने निजी आय से पालनकर्ताओं को दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि अपने कुल उपयोग की वस्तुओं का 30% भाग उत्तराखंडी उत्पादों को खरीदूंगा। इस पर बीजेपी ने कहा कि ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हरीश रावत सन्यासी बनना चाहते हैं तो बने, बीजेपी का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, सन्यासी होने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 5 वर्ष मिले और हरीश रावत जी को उसके बाद 3 वर्ष का पूरा समय सत्ता में रहने का मिला। उस समय उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से अराजकता और जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख और जिस तरह से मुझे लगता है कि केवल राजनीति का वो केवल खनिज और शराब और केवल पीडब्ल्यूडी के ठेकों में जिस तरह की बंदरबांट का उन्होंने काम किया, उस समय उन्हें याद नहीं आया। और मुझे लगता है कि वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है और यही मुझे लगता है कि और वो संत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य ये लगता है। ये लोगों के निजी मामले हैं कि उन्हें गाय पालनी है या क्या पालनी है? रावत जी को इन सब चीज़ों पर आस्था है, उनकी मन की इच्छा है तो करेंगे। बीजेपी को इसमें क्या प्रश्न करना है? सन्यासी बने, जब उनके इतने बड़े बड़े सन्यासी तमाम राज्यों में राज कर रहे हैं, हमारे बगल के प्रदेश में सन्यासी योगी जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो अगर कोई कांग्रेसी भी अगर निजी जीवन में सन्यासी जैसा ही त्याग उन्होंने किया, राहुल जी ने हमेशा सन्यासी जैसा त्याग किया, और ऐसे त्यागी व्यक्ति अगर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।